I think we are all a result of the things we allow ourselves to believe. So मैंने कभी भी अपने आप को ये believe नहीं करने के लिए इजाजत दी थी कि मैं एक actor बन सकता हूँ क्योंकि मैं हमेशा से एक अपनी feelings को अपने emotions को अपनी बातों को छुपाता था दुनिया से. बहुत shy था. बहुत तुम अभी भी shy हो. You are an introvert और तुम अपनी feelings इतनी express नहीं करते. हर जगह चुप करके अपने आप में रहते हो. जी हाँ ऐसे ही है. लेकिन I've realized कि shyness is a disorder. शाइनेस को ओवरकम करना होगा अगर तो आपने लाइफ में आगे जाना है क्योंकि शाइनेस एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि आपके आपके रिलेशनशिप्स को आपके फाइनेंसेस को यहाँ तक कि कितना आप आगे जाओगे उसको कंट्रोल करता है. कैसे कंट्रोल करते हैं? कैसे कंट्रोल करता है? बिकॉज आप एक प्रोपेगेंडा अपने दिमाग में चला रहे होते हो कि मैं ये नहीं कर सकता. मैं आई एम नॉट गुड इनफ. आई एम नॉट इंटेलिजेंट इनफ. आई एम नॉट गुड लुकिंग इनफ. मेरी आवाज़ नहीं अच्छी. मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ. मुझ में ये स्किल्स नहीं. ये सारे प्रोपेगेंडा आप अपने आप को पढ़ाते हो. वर यू गोइंग थ्रू दैट? I've gone through it for a very long time in my life. मतलब ये तो तुम नहीं सोच सकते कि मैं good looking नहीं हूँ. I mean, what else do you want? क्या चाहते हो? आसमान गिर जाए हुसन में. Well, वही वाली बात ना कि हमारे emotions can either serve us or master us. So emotions हमारे बहुत important हैं क्योंकि हम जिस तरह feel करते हैं उस तरह हम act करते हैं और जिस तरह हम act करते हैं उस तरह हमारी जिंदगी उस रुख में चली जाती है. तुम्हें लगता है कि गुड लुकिंग लोगों को लोग ज्यादा जज करते हैं एक्टिंग पे? उनको एक ड्रॉबैक होता है जैसे ऐश्वर्या राय ने इतनी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हुई है लेकिन लोग यही कहते हैं नहीं यार बस शक्ल ही है. ये एक ड्रॉबैक है ना? ये एक चीज है. लेकिन मैंने एक चीज नोट की है कि हमारे प्रोफेशन में एक्टिंग पे हर किसी को अथॉरिटी है. डायरेक्शन पे नहीं है. डायलॉग्स पे नहीं है. स्क्रीन प्ले पे नहीं है. डायरेक्टर फोटोग्राफी पे नहीं है. एक्टिंग पे हर बंदे का कोई ना कोई ओपिनियन है. बिल्कुल. हालांकि उनको इन्हें मालूम कि कितना मुश्किल है टू बी वल्नरेबल टू बी अप टू एक्सपोज योरसेल्फ आउट देयर टू बिकम अनदर कैरेक्टर स्पेशली फॉर समवन लाइक यू. Yeah. That was a private person. Yes, so it's hard work, but you have to fall in love with what you do. आप जब तक अपने काम से मोहब्बत नहीं करोगे आपको सही उसका मकसद नहीं पता चलेगा. मोहब्बत काम से करनी पड़ी क्योंकि इंस्पिरेशन और डेस्परेशन एक ऐसे मोटिव्स हैं जो कि आपको बहुत कुछ करवा देते हैं. अच्छा वैसे तो तुम्हारी रेपुटेशन बहुत क्लीन है. वी ऑल नो दैट. थैंक यू. ठीक है. लेकिन करीबी दोस्तों का कहना है कि हमारा फ्लर्ट बहुत है. मानोगे तो नहीं लेकिन अटेंशन भी बहुत मिलती होगी. मात ऑफ कोर्स यू आर अ स्टार नाउ एंड यू आर एक्सट्रीमली गुड लुकिंग गाय. हाउ डू यू हैंडल दैट? आई जस्ट डोंट लेट इट गो टू माय हेड. आई जस्ट क्रिटिसिज्म भी जब होता है आई डोंट लेट इट गो टू माय हार्ट आल्सो. मुश्किल होता है. यू हैव टू हैव अ वेरी थिक स्किन. तो फैंस फोन करते हैं नंबर तो ढूंढ लेते हैं. हाँ लेकिन अब इतना अच्छा जमाना आ गया कि आप ब्लॉग बड़े मजे से कर सकते हो लोगों को. लेकिन दिल नहीं दुखता अगर कोई लड़की फैन हो एंड शी वांट्स टू स्पीक टू यू तो किस तरह हैंडल करते हो? इफ़त अब उस एज में हूँ कि ये चीज़ें अब इतनी एक्साइट नहीं करती. अब जो चीज़ें एक्साइट करती हैं वो अपनी पर्सनल डेवलपमेंट करती है अपना काम करता है और अपने गोल्स करते हैं. So you married your bachpan ki sweetheart. Yeah, childhood sweetheart. Any regret? Not at all. I think where I am. Jaldi kar li. I think where I am right now, I think she has a big role to play because she is the one who instilled the belief in me, jo ke I didn't even know existed in me. Ke she wanted me to tap my true potential. She wanted me to do well in life, and she is the one who told me that what's possible for another man is possible for you. अरे वाह. So she's a catalyst and आपका environment जैसा भी हो आप वैसे बन जाते हो. Obviously ये काम तुम कर ही नहीं सकते अगर तुम्हारी partner का तुम्हारे साथ 100% collaboration ना हो because बच्चों का ख्याल तो वही रखती है तुम्हारे साथ. वैसे ही है. जी. Yeah and कितना guilt होता है? Guilt I don't know आप उसको guilt कह सकते हो depression कह सकते हो लेकिन इट्स अ बैलेंस. यानी अगर मैं 3-4 हफ्ते के लिए शूटिंग्स पे जाता हूँ तो हाँ आई डू गेट होमसिक लेकिन एट द सेम टाइम वर्क इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू गो वेयर द वर्क टेक्स यू. लेकिन वापस जब आता हूँ तो 2-3 हफ्ते के लिए कुछ नहीं कर रहा होता. घर होता हूँ तो इट्स अ गुड बैलेंस आई थिंक. तो ये मानते हो आज अपनी बीवी को एक क्रेडिट दोगे कि तुम जहाँ उसके बगैर नहीं हो सकते? एब्सोल्युटली. मैं तो डम्प्स ऑफ डिस्पेयर में था. आई गेस उसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे बताया कि ये दरवाजा है. यू हैव टू गो थ्रू इट. यू आर अ लकी गाय आई मस्ट से. एब्सोल्युटली आई एम. अच्छा एक्टर एक इन्फ्लुएंसर भी होता है.
आप पूरी दुनिया में एक्टर्स एक्टरिज्म कर रहे हैं, हमारे यहाँ क्यों एक्टर एक बुद्धू विदाउट एनी पॉलिटिकल फिलोसॉफिकल मौकफ के बगैर क्यों एक फीका सा एक्टर क्यों है हमारे यहाँ? क्यों नहीं उनका दिल करता कि दुनिया में हम चेंज लाएं, कुछ करें? आई गेस हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है, हर इंडिविजुअल की एक फिलॉसफी एक हिस्ट्री डिफरेंट होती है. सो इट ऑल कम्स डाउन टू व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू एस्पायर टू बी. ओके, सो जहाँ पे आपने एक्टिविज्म या पॉलिटिक्स की बात की, मैं थोड़ा इन्वॉल्व होता था पॉलिटिक्स में, लेकिन फिर मैंने रियलाइज़ किया कि जब भी मैं अपने पेरेंट्स के घर जाता हूँ तो एक बदमस्की सी एक बहस शुरू हो जाती है, तो वो पैशन और इंथुजियाज़्म. पेरेंट्स किसकी साइड पे हैं? बस हैं, कुछ पुरानी पार्टीज की साइड पे हैं, कुछ नई पार्टीज की साइड पे हैं. और इमाद किसकी साइड पे? इमाद तो अपने आइडल की साइड पे था, लेकिन अब थोड़ा सा इंथुजियाज़्म खत्म हो चुका है. तो ही डिसअपॉइंटेड यू? It's not about disappointment. I realize that whoever sleeps in the White House is not going to influence my future. Mera future, I hold the responsibility. I hold the key for my own future. Ups and downs, inflation, har cheez, ye cheezein aayengi. Lekin that's part of life. Do you believe in real democracy? Do you think that's the only solution or not? I think so. Lekin democracy begins at home. Okay, how? I mean, you can't be a dictator at home, and you have to practice what you preach. Okay. So for me, if a person says something and he does something else, main jo kehna cha raha hu ye kehna cha raha hu ki aapke amal aapka action jo hai wo zyada matter karta hai aapke alfaz se. Are wah. Acha mujhe Saba Qamar hamare mulk ki main samajhti hu ki aajkal ki behtareen actors mein se ek hain. Ek action reaction ka jo acting mein game hota hai, usse farq padta hai? Did it make a difference ke because tumhare saath itni achhi actor thi to tumhe help hui ya tum har ek ke saath apna 100% kar sakte ho? Iffat, meri koshish hoti hai ki aapke haath mein kya hai, aapka attitude hai, aapki effort hai, aur us din aap kya create karoge apni effort se, apni kya keh sakte hain, camaraderie se ya respect se, us din kya karoge. Results आपको 3-4 महीने बाद मिलेंगे, लेकिन उस दिन क्या कर रहे हो आप? बिकॉज yesterday doesn't matter, tomorrow does not exist, today is all that we have. इस दिन right now I try to be as attentive right now with you speaking to you. Excellent. So मेरी कोशिश होती है. So you live in a moment. I try to. Okay. Because tension is an actor's biggest enemy, or relaxation is an actor's best friend. So I try to be in the moment, mindful होना और concentration, focus, ये सारे tools हैं जो कि आपको भी मालूम होंगे, I'm sure. So Saba के साथ I try to build a good camaraderie, and हमारे बहुत सारे scenes they were like a duet, यानी जिस तरह गाने में एक लड़का और एक लड़की duet करते हैं, it was like that. किसी में उसके पास power थी, किसी में उसके पास vulnerability थी, किसी में मेरे पास power थी, किसी में मेरे पास vulnerability थी, लेकिन in all the essence, in the biggest scheme of things, we both had to be very vulnerable, very vulnerable. So I think I believe के ऑडियंस को पसंद आया जो भी हमने. बिल्कुल पसंद आया. चीख है, मेरे ख्याल से चीख से इज अ टर्निंग पॉइंट इन योर करियर. एब्सोल्युटली वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट्स. बहुत टर्निंग पॉइंट्स आते हैं लाइफ में आपके, लेकिन वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट्स, एंड आई थिंक इट्स गिवन मी एन आइडेंटिटी एज एन एक्टर नाउ. एज एन एक्टर, या. और वंस अगेन उसके पीछे 5-6 साल का एक प्रोसेस था दैट मेड मी अ केपेबल एक्टर टू डिलीवर दैट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर. मेहनत की और फल मिला, जबरदस्त. पाकिस्तान में फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हमारी और हिंदुस्तान के कल्चर भी मिलता है, ज़ुबान भी मिलती है, और उनकी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है. हमारे मसाइल आ गए जिसकी वजह से जब मौके मिल रहे थे हमारे एक्टर्स को वहाँ जाने का, मात को फिल्म ऑफर हुई करीना कपूर के साथ वीरे दी वेडिंग जी. और साथ ही हालात ख़राब हो गए. नाउ टेल मी ऑनेस्टली मात, कितना दिल ख़राब हुआ था? टू बी ऑनेस्ट, टू बी रूथलेसली ऑनेस्ट, हाँ हुआ. क्योंकि कैसा दीवारी मैं ज़्यादा इस पर बात नहीं करूँगा. हुआ क्या कि हमने शूटिंग करनी थी 2016 के सितंबर में. आई हैड द बिजनेस वीज़ा, आई हैड शशांक घोष के साथ मेरी बहुत डिटेल में बातचीत भी हुई. व्हाट हैपेंड के करीना वाज एक्सपेक्टिंग एट दैट पॉइंट, एंड शी सेड के आई विल रिज्यूम शूटिंग आफ्टर आई डिलीवर द बेबी. ओके, सो साल जो है वो डिले हुई शूटिंग, और उस साल के अंदर बहुत से जो हैं हालात वो चेंज हो गए. और फिर वही वाली बात के
Now I'm a big nationalist. I want Pakistan to do well. Mera ek mantra hai to give respect and get respect. Agar hame respect nahi di ja rahi, to hame koi zarurat nahi udhar jaane ki. Ya hame agar udhar welcome nahi kiya ja raha, to hame koi zarurat nahi hai ye portray karne ki ke we are dying to work with you. And cricketers, musicians, actors, when they make a mark in any industry, usse aapke mulk ko bahut mileage milti hai, because Pakistan ke andar bahut talented log hain, cricketers hain, musicians hain, actors hain. Jab unhone dekha ke ye is front se hamare Pakistan ko bahut achhi mileage de rahe hain, to they said to ban their cricketers, ban their musicians, ban their actors. So we don't need them. I'm a big, if you cut me, I'll probably bleed green and white. Wow. So I think we should make a mark with our own identity and not have identity crisis, because bahut der se hame identity crisis hai, because hum culturally invaded rahe hain padosi mulk se. So hame apni identity ko banana hoga. To tumhare khayal mein hame kya sahi karne ki zarurat hai? Agar tum chaho is industry mein teen cheezein tum change kar sakte ho, to wo kya hogi? Ek to sabse pehle apne be Pakistani by Pakistani, apne brands ko endorse karna hoga, apne logon ko izzat deni hogi, apne artists ko izzat deni hogi, aur realize karna hoga that these are assets of our country. Cricketers, musicians, entertainers, all entertainers. वही वाली बात मैंने बात जो आपको की कि एक entertainer